लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, क्राइम, खेल और आम लोगों से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में अवैध तमंचा व 5 किलो गांजे के साथ 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। डीसीपी पश्चिमी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना ठाकुरगंज पुलिस ने शनिवार को अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस व 5 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक ठाकुरगंज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली। कैंपबेल रोड के पास लूट व हत्या के कई मामलों में वांछित अपराधी महेंद्र रस्तोगी अपने गैंगस्टर साथी शादाब के साथ टी स्टॉल पर खड़ा है। इसके बाद पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ दोनों बदमाशों को दबोच लिया। उनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, अवैध गांजा और अपराध में प्रयुक्त एक कार भी बरामद की गई है। महेंद्र रस्तोगी पुत्र महावीर रस्तोगी निवासी निवाजगंज थाना ठाकुरगंज का रहने वाला है, जिस पर लखनऊ व कानपुर में लूट हत्या जैसे संगीन अपराधों में 17 मुकदमे दर्ज है। यह अपराधी टॉप 10 में शामिल है जो अपने साथियों को अदल बदल कर लूट, हत्या, डकैती एवं अवैध नशे का कारोबार करता है। साथ ही शादाब उर्फ मौसी पुत्र साजिद वजीरगंज का निवासी है, यह भी गैंगस्टर अपराधी है। हाल ही में जेल से छूटा था, इसके बाद फिर से अवैध नशे के कारोबार में लिप्त हो गया। इस अपराधी पर भी लखनऊ के विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ से ब्यूरो सत्तार खान की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर अहम खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।